कोरिया में आप जहाँ कहीं भी जाएं तो आपको ज्यादातर पहाड़ नजर आते हैं, तकरीबन 80% पहाड़ है कोरिया में, ऐसा ही है ना? 90% क्योंकि मैदानी इलाके इधर बहुत कम है। तो अभी भी हमारा घर इस साइड पड़ा है तकरीबन 1 किलोमीटर, और ये पीछे आप व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। हम आए थे इसको ड्राइविंग सिखाने, वो गाड़ी खड़ी है दूसरी साइड पर, तो आप नज़ारा कर सकते हैं, मतलब कि कैसा देख रहा है कोरिया को, कैसे नज़ारे। हमारे यहाँ तो वहाँ मर ही जाते हैं ये नज़ारा लेने के लिए, हम वो KPK में जाते हैं। असल नैचुरल जो चीज़ है वो है कि इन्होंने रब वालों ही इतने पहाड़ ने कि थोड़ा हर जगह से पहाड़ लगेंगे ना। मैं पंजाबी बोल रहा नो इशू ना, क्योंकि मेरा हाथ तंग है उर्दू में ना, इसका हाथ तंग है। अच्छा, असल पाकिस्तान है लेकिन कट वट छे ने, इतने तो नैचुरल है ना। इन्हें ईवन के पहाड़ी सड़क बनाई ने, यह भी इन्होंने पहाड़ों को कट वट के बनाई ना, है ही वाला की कहें उर्दू में मैदानी इलाका। तो अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये भी एक पहाड़ हुआ करता था छोटा सा, उन्होंने ये कट करके इधर कट वट दिया है और फैक्ट्री एरिया बनाया है और मैदानी इलाका बनाया इसे। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जिथे भी कोई सोसाइटी बनाते हैं, कोई फैक्ट्री है, इवन के फैक्ट्री एरिया बनाते हैं, पार्क लाजमी बनाते हैं ना, ये प्लस पॉइंट है। गर्मियों का सीजन है तो पहाड़ आप देख सकते हैं इधर, अगर कैमरा मैन इधर दिखाई दे तो ये देखे कितना मतलब कि ग्रीन सीन है, हर तरफ हरियाली है, हरियाली समझते हैं आप लोग। सादा चर्च नहीं। हाँ चर्च है, ये लगाया करो सूटा, वैसे भी शेखपुरे वाले चर्च के हिसाब से वो बदनाम है। कोई फास्ट बॉलर भी था एक मोहम्मद आसफ, वो भी चर्च ही था, तो उधर नहीं गल करनी, उधर नहीं गल करनी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी गर्मियों के दिन आ गए हैं, तो सर्दी में हम ज्यादा बाहर नहीं जाते थे, तो गर्मियों में हम घर में रहते नहीं, वीकेंड पर बीचेस पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, बहुत प्यारे नज़ारे हैं, जहाँ पार्क हैं वहाँ जाते हैं। तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, तकरीबन सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो अब हम जाया करेंगे बाहर को और व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। क्या ऐसा ही है ना ना हाँ तगड़ा, लेकिन फोटोग्राफर का मूव बन गया इस टाइम ना, वो भी गांव काट रहा था। नहीं फिर भी ये कैमरा मैन की बात कर रहा है, वो थक गया वीडियो बना बना, मूव बन गया, चेक कर रहा हूँ। बुलेट ट्रेन का वो ब्रिज बना हुआ है, ये इस अंडरग्राउंड से आती है, वो क्या कहते हैं टनल से, फिर ये पुल बना हुआ है, इसके बाद फिर ये टनल है वो पहाड़ी के बीच में। इधर हद से ज्यादा टनल बनाए गए क्योंकि पहाड़ी इलाका 80% पहाड़ है कोरिया में, 80%। लेकिन एक तरफ जहाँ पहाड़ है तो दूसरी तरफ वो खूबसूरती का नजारा भी पेश करते हैं।